इतिहास गंधार नरेश शकुनी से ये नहीं पूछेगा कि इन्होंने द्यूत क्रीड़ा में कपट क्यों किया था, क्योंकि वो कपट आपकी सभा में हुआ था महाराज। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी ये नहीं पूछेगा कि इन्होंने भरत कुल वधु को भरी सभा में क्यों घसीट बुलवाया। इतिहास ये भी आप ही से पूछेगा महाराज, क्योंकि दुर्योधन आपके युवराज हैं। इतिहास दुशासन से भी ये नहीं पूछेगा कि इन्होंने दुर्योधन के कहने पर भरत कुल वधु द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की असभ्यता क्यों दिखाई। इतिहास इसके लिए भी आप ही को दोषी, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा महाराज। इसलिए ये जान लीजिए कि शांति का कोई विकल्प नहीं है। युद्ध तो कदाचित कोई नहीं चाहता केशव। यदि कोई युद्ध नहीं चाहता पितामह, तो फिर ये कदाचित क्यों? ये तो आप भी जानते हैं पितामह, और मैं भी। युद्ध चाहने वाले इधर भी हैं और उधर भी। इसलिए आज कदाचित जैसे शब्दों को इस राज्यसभा से निकाल दीजिए पितामह।